नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। सुबह सवेरे की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर इंडिया 360 पर। आज गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक, कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया नोटिस, किसी किसान कर्ज माफी समेत 418 घोषणाओं पर होगा। 133 साल की हुई देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, दिल्ली में राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काटा केक, 10 जनपद पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। पीसीसी मुख्यालय में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने किया ध्वजारोहण, सीपी जोशी समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद, पायलट ने 3 राज्यों में हुई कांग्रेस की जीत को बताया भविष्य का संकेत। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म पर विवाद, सीएम गहलोत का बयान, कहा फिल्म बनाकर नहीं मिटा सकते इतिहास, राजवर्धन का पलटवार, बोले फिल्मों की आजादी पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। केंद्रीय कैबिनेट ने पॉस्को एक्ट में किया बड़ा बदलाव, कई सेक्शन में बढ़ाई सजा, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए फांसी के प्रावधान को दी मंजूरी। आरएसएस विचारधारा पर कांग्रेस का प्रहार, गहलोत सरकार में फिर बहाल होंगे इंदिरा गांधी और राजीव के नाम, देवनानी ने बदला था इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड। गृह मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने दी सौगात, जुमनेर में स्कूल खेल मैदान का किया शिलान्यास, 57 लाख की लागत से बनेगा पेक। अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर जेडीए की कार्रवाई, जयसिंहपुरा पूर्व में सरकारी भूमि को करवाया मुक्त, विद्याधर नगर के सेक्टर 2 और 4 में भी कार्रवाई। सिरोही जिले के माउंट आबू में हाई में मिला नर कंकाल, 10 दिन पुराना बताया जा रहा है शव, अभी तक नहीं हुई शव की शिनाख्त, पुलिस मामले की जांच। नवंबर में देश के टॉप 12 एयरपोर्ट में शामिल हुआ जयपुर एयरपोर्ट, फ्लाइट्स और यात्रियों की संख्या में भी हो रहा लगातार इजाफा। पिंक सिटी में फिल्मी सितारों का जमावड़ा, साउथ के कई अभिनेता और अभिनेत्री पहुंचे जयपुर, फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर राजमौली के बेटे की 30 दिसंबर को है शादी, सितारों ने जमकर किया। पावर की बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड, फतेहपुर में -4.2 पहुंचा पारा, उसकी बूंदे जमी शीतलहर और कोहरे ने किया परेशान। बुमराह की घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया को मिली विजयी बढ़त, 151 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी, तो दूसरी पारी में 54 रन पर 5 विकेट खोकर टीम इंडिया भी लड़का। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी, 3 भारतीय अंतरिक्ष में गुजारेंगे 7। कर्ज माफी के वादों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, कहा कर्नाटक सरकार की कृषि कर्ज माफी किसानों के साथ किया गया सबसे क्रूर मजाक। भूटान के प्रधानमंत्री लोतोय शेरिंग ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, पीएम बोले भूटान सरकार अपने देश में भी लागू करेगी रुपए का। सोराबुद्दीन एनकाउंटर में सभी आरोपियों को बरी करने वाली विशेष अदालत की तल्ख टिप्पणी, का इससे पहले भी नेताओं को किसी भी तरह फंसाने के लिए सीबीआई ने तैयार की नहीं कहा। जम्मू कश्मीर को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार घाटी में चुनाव कराने के लिए है तैयार। फारूक अब्दुल्ला ने कि पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी, कहा कश्मीर समस्या को हल करने के लिए पड़ोसी से वार्ता जरूरी। यूपी में आईएस संदिग्धों की गिरफ्तारी और एनआईए की छापेमारी पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, का सूत्री बम के आधार पर आतंकी बता देना अपार। पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित तो बीजेपी की रथ यात्रा पर ममता बनर्जी का हमला, बोली राज्य में लोगों को मारने के लिए नहीं है की जाती रथ यात्रा। लोकसभा चुनाव में यूपी के लिए बीजेपी का महाप्लान, संघ के हर लोकसभा सीट के लिए की प्रभारियों की नियुक्ति, प्रभारियों के रिपोर्ट पर तय होगा टिकट। महाराष्ट्र में सियासी गठजोड़ के नए संकेत, नगर निगम में चुनाव में नजदीक आए मोदी और पवार, अहमदनगर में बीजेपी और एनसीपी मिलकर लड़ेगी चुनाव।
ट्रिपल तलाक को लेकर सियासत जारी, महिलाओं की धन्यवाद सभा में केंद्रीय मंत्री ने खाए लड्डू, सेलेक्ट कमेटी में बिल भेजने की मांग पर विपक्षी नेताओं की 31 जनवरी को बैठक। फिल्मी फ्राइडे पर रिलीज हुई सिम्बा, रणवीर और सारा के काम को दर्शकों ने किया पसंद, डॉक्टर रोहित शेट्टी ने दिया मूवी में पूरा मसाला।